हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अब मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठेर सीबीगंज बरेली में। आज हम लेकर आए हैं रसायन विज्ञान कक्षा 12 का चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। इसमें पिछली वीडियो में हमने अल्कोहलों और फिनॉलों को बनाने की विधियाँ और उनके भौतिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लेकर आए हैं अल्कोहलों के रासायनिक गुणधर्म। इस वीडियो में हम अल्कोहलों के रासायनिक गुणधर्मों को सीखेंगे। तो सबसे पहले अल्कोहल और फिनॉल को हम यहां पर एक साथ लेकर चल रहे हैं। अल्कोहलों के गुणधर्म भी पढ़ेंगे और फिनॉल के गुणधर्म भी पढ़ेंगे। तो अल्कोहल और फिनॉल, ये हमने इससे जो पिछला वाला चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, उसमें पढ़ा था जो हेलो एल्केन थे वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते थे। ठीक इसी तरह से जो अल्कोहल हैं ये भी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ जब हमने हेलो एरीन पढ़ा था तो वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम संवेदनशील थे और इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को ज्यादा प्रदर्शित कर रहे थे। तो यहां पर हम देखेंगे अल्कोहल और फिनॉल, ये दोनों ही नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन दोनों ही तरह की अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर दो तरह के गुणधर्म है। अल्कोहल का जो रासायनिक फार्मूला होता है वो होता है आर ओ एच, इस तरह से। तो यहां पर दो तरह के हमें केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। एक वो जिनमें ये वाला बॉन्ड टूटता है, मतलब एल्किल समूह, ये होता है एल्किल ग्रुप। तो एल्किल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये पूरा ग्रुप कहलाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये कहलाता है, या इसको हम अल्कोहलिक ग्रुप भी कहते हैं, अल्कोहल ग्रुप। तो जब एल्किल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटता है, वो वाली रिएक्शंस पढ़नी है। दूसरे में हमें पढ़ना है, दूसरे टाइप की जो रिएक्शन है उनमें हमें पढ़ना है जिनमें ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनके मध्य टूटने वाला जो बंध होगा, इस तरह की अभिक्रियाओं के विषय में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य का बंध टूटता है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ओ एच बंध का विदलन होता है या बंध टूटता है, का विदलन होता है, तो इसमें सबसे पहली अभिक्रिया है धातुओं के साथ अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं से हमें यह भी पता लगता है कि अल्कोहल और फिनॉल किस तरह के एसिड हैं, यानी अम्लीय हैं। तो सबसे पहले हम बारी बारी से देखेंगे, पहले अल्कोहल को फिर फिनॉल को। तो हम यहां पर नॉर्मली पहले जनरल अल्कोहल ले लेते हैं, आर ओ एच। इसकी हमने रिएक्शन कराई, एक कोई भी हमने सक्रिय धातु ले ली। यहां पर हमने धातु ली है सोडियम। जब हम इससे सोडियम की रिएक्शन कराएंगे, क्रिया कराएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये एने क्या करेगा, ये सक्रिय धातु है तो इसके अल्कोहल के हाइड्रोजन परमाणु को यहां से विस्थापित कर देगा और स्वयं यहां पर आकर लग जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, आर ओ
और ये एन ए प्लस हाइड्रोजन, ये बाहर निकलेगा मतलब हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहां पर हाइड्रोजन के दो एटम्स निकले हैं तो हम इसको संतुलित कर लेते हैं, ये हो गया दो, यहां से हमने हाइड्रोजन दो बना लिए। तो ये एल्किल समूह और ऑक्सीजन ये भी कैसे हो गए, डबल हो गए। तो यहां पर भी हमको इनको डबल करना होगा, तब Na भी यहां पर डबल हो गया। इसको संतुलित करने के लिए हमें यहां पर दो से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये क्या था हमारा एल्कोहल, ये एल्कोहल हो गया, ये सोडियम धातु थी और ये क्या है, ये बना है सोडियम का, ये एल्केन एल्किल समूह था और उसका ऑक्साइड मतलब सोडियम एल्कोक्साइड, इसका नेम हो गया सोडियम एल्कोक्साइड एल्कोक्साइड। देखते हैं किस तरह से, जैसे मैंने यहां पर R की जगह पहले मेथिल समूह ले लिया, मेथिल, तो ये मेथिल एल्कोहल है CH3OH। इसकी जब हम रिएक्शन Na टू Na से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बिल्कुल इसी तरह से R की जगह पर हमें क्या करना है CH3 लिखना है, तो क्या मिल जाएगा 2CH3ONA और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। हमने कक्षा 10 में यह अध्ययन किया था, जो भी अम्ल होते हैं वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो यहां पर जो अल्कोहल है ये भी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रहे हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो अल्कोहल है ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसका नेम क्या है, ये है मेथिल अल्कोहल, या इसे हम बोलते हैं मेथेनॉल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ये सोडियम है तो सोडियम, और ये क्या है मिथिल समूह, और ये उसका ऑक्साइड, तो ये हो गया सोडियम मिथॉक्साइड, तो इसका नेम हो गया सोडियम मिथॉक्साइड। इसी तरह से अगर हम इस मिथिल समूह की जगह पर एथिल समूह ले लें तो रिएक्शन हो जाएगी 2C2H5OH प्लस का 2Na, और ये क्या बनाएगा, बनाएगा 2C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन। तो यहां पर क्या करना है, केवल एल्किल समूह को हमने चेंज किया है, ये मेथिल था ये एथिल हो गया, तो यहां पर भी ये एथिल ही चेंज हो गया, तो नेम हो जाएगा इसका सोडियम सोडियम इथॉक्साइड। ये एथिल समूह है तो नेम हो गया सोडियम एथॉक्साइड, और ये हो गया एथेन और ऑल, तो नाम हो गया इसका एथेनॉल। ये तो बात हो गई जब हमने अल्कोहल की रिएक्शन कराई। अब अगर हम बात करें इस फिनॉल की, तो फिनॉल में यहां पर एल्किल समूह की जगह एराइल समूह लगा होता है, क्या लगा होता है एरिल समूह, तो यहां पर एरिल समूह और ओ एच। जब हम इसकी रिएक्शन Na मतलब सोडियम धातु से कराते हैं तो भी हमें यही रिएक्शन देखने को मिलती है, और क्या प्राप्त होगा, यहां पर एरिल ऑक्सीजन और ये एरिल ऑक्सीजन और सोडियम प्लस का हाइड्रोजन। इसके लिए अगर हम, ये तो सामान्य समीकरण हो गई, जनरल इक्वेशन हो गई, अगर इसके लिए वास्तविक समीकरण लिखें तो एरिल समूह, एरिल समूह क्या होता है फेनिल ग्रुप लगाना है, मतलब बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकला हुआ, तो हमने यहां पर ये ले लिया फिनॉल, ये क्या है फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन हमने किससे कराई Na से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये Na क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और क्या बनाएगा, यहां पर O और Na प्लस
इस हाइड्रोजन को बाहर किया है तो ये हाइड्रोजन बाहर निकल गई, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। इसका नेम क्या हो जाएगा, ये तो फेनिल समूह हो गया, फेनिल का ऑक्साइड, और ये क्या है सोडियम, तो ये हमें मिल गया सोडियम सोडियम और ये फिनॉक्साइड, तो नेम हो गया इसका सोडियम फिनॉक्साइड। इसी तरह से अगर हम फिनॉल की रिएक्शन NaOH यानी कास्टिक सोडा से करा दें, यहां तो हमने धातु से कराई है लेकिन अगर हम कास्टिक सोडा से कराएं, ये क्या होता है ये होता है क्षार, प्रबल क्षार है ये, तब हम अगर इसकी रिएक्शन कराएं तो हम जानते हैं किसी भी एसिड की रिएक्शन बेस से कराते हैं तो उस समय लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। तो यहां पर रिएक्शन करा के देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहां से ये Na क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड ओ Na प्लस, और क्या मिलेगा यहां से हाइड्रोजन और ये OH यानी जल HOH, ये वाटर मिल गया और ये साल्ट मिल गया, कौन सा सोडियम फिनॉक्साइड। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो फिनॉल है ये फिनॉल भी अम्लीय प्रकृति का होता है, लेकिन अब इनमें अल्कोहल और फिनॉल में से बात करें कि कौन सा अधिक अम्लीय होता है, तो यहां पर अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल पानी से कम अम्लीय होता है जबकि फिनॉल अल्कोहलों की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं, अधिक एसिड होते हैं। अगली अभिक्रिया है एस्टरीकरण, एस्टरीकरण अंग्रेजी में इसको एस्ट्रीफिकेशन बोलते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होता है यह एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या है, जब अल्कोहल की क्रिया किसी कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे आर सी ओ ओ एच, मतलब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, इनसे कराते हैं तो हमें एस्टर प्राप्त होता है। कैसे, यहां से ये हाइड्रोजन और यहां से ये ब्रेक होता है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ एच, तो यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, तो यहां से ये ब्रेक हो रहा है तो यहां से हमें मिला आर ओ, क्या मिला आर ओ और ये सी डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि ये कार्बन से जाकर के अटैच होगा तो सी ओ और ये क्या मिला आर आर, ये कहलाता है एस्टर जो कि मीठी गंध वाले पदार्थ होते हैं। और अब जो शेष बचा यहां से हाइड्रोजन और ये ओ एच एच ओ एच, ये मिल गया वाटर। तो ये इस चूंकि इस अभिक्रिया में अल्कोहलों की क्रिया जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से करा रहे हैं तो हमें एस्टर की प्राप्ति हो रही है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं। ये अभिक्रिया किसी भी अम्ल की उपस्थिति में होती है और ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। इसी तरह से अगर हम अम्ल की इन अल्कोहलों की अभिक्रिया अम्ल क्लोराइडों का सूत्र होता है आर सी ओ सी एल, इस तरह से अम्ल क्लोराइडों की उपस्थिति में कराएं तो भी हमें एस्टर प्राप्त होते हैं। कैसे, यहां से ये हाइड्रोजन तो विस्थापित होना है और यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना है, तो यहां से हाइड्रोजन और ये क्लोरीन ये तो बाहर हो जाएगा एच सी एल और यहां से क्या मिलेगा आर ओ और सी ओ आर आर ओ
सी ओ और ये आर, ये फिर से हमें एस्टर मिल गया। लेकिन यहां पर जो ये अम्ल क्लोराइड है, ये है अम्ल क्लोराइड और ये थे कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल या अम्ल क्लोराइड, इन दोनों में से किसी के साथ भी हम इन अल्कोहलों की क्रिया कराएं तो हमें एस्टर ही प्राप्त होता है। अब अगर हम बात करें फिनॉल की, तो फिनॉल में क्या होता है, एरिल समूह होता है यानी फेनिल ग्रुप होता है। तब यहां पर सेम ये एरिल समूह ही आएगा। अगर यहां पर ये एरिल समूह है, मतलब फिनॉल लिया है हमने, तो इस R की जगह पर एरिल समूह ही प्राप्त होगा, बनेंगे एस्टर ही। अब ये जो अभिक्रिया है, जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराते हैं तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और इसे हम अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं। लेकिन जब अब हम अभिक्रिया कराते हैं अम्ल क्लोराइड से, तब ये अभिक्रिया कराई जाती है प्रीडीन की उपस्थिति में। प्रीडीन एक क्षार होता है, ये अभिक्रिया प्रीडीन में यानी क्षार में कराने का एक रीजन ये है, अंत में हमें यहां पर HCl जो कि एक प्रबल एसिड है, प्रबल अम्ल है, प्राप्त हो रहा है, तो इसको उदासीन करने के लिए ये अभिक्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में करानी पड़ती है। आज की वीडियो में हमने सीखा अल्कोहलों के रासायनिक गुणधर्म में वे अभिक्रियाएं जिनमें OH मतलब हाइड्रोक्सिल समूह के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य में जो बंध था, उन बंधों का विदलन होता है या टूटता है, ऐसी अभिक्रियाओं का हमने अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम और नई अभिक्रियाओं के विषय में, जिसमें एल्किल समूह या फिर एरिल समूह और हाइड्रोक्सिल समूह के बीच का जो बंध टूटता है, ऐसी अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।